Hello everyone, welcome to yet another segment of College Duniya Connect. Today we have Dr. Sanjay Biyani with us. He is the Director of Academics at Biyani Group of Institutions. Sir is a qualified chartered accountant. He has done his MBA, LLB, and also he has done multiple diplomas. He is very renowned for the motivational books that he have written, which are focused on positive thinking and how to live the life to the fullest. Sir, एक प्रख्यात लेखक के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूब काउंसलर के रूप में भी काफी विख्यात हैं। उनका मानना है कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र उत्साह व सकारात्मक सोच है। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंतर्गत 15 कॉलेजेस आते हैं जिनको ये डायरेक्ट करते हैं। सर, वेलकम टू आवर सेगमेंट। थैंक यू सर। हम चाहेंगे थोड़ा एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में आपके विचारों को और गौर से जानना चाहेंगे। सर, आप इस पूरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट के पार्ट हैं। सर, आपका लीडरशिप स्टाइल किस तरीके का है, किस तरीके से आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, थोड़ा हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, दो स्टाइल है जो लोग समझ सकते हैं। अभी हमने 3 Idiots मूवी देखा, एक मिस्टर रेंचो है और एक मिस्टर चतुर है। बेसिकली बीएनई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रेंचो बनाना चाहता है, पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है बच्चों की, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना चाहता है, उन्हें एंथुसियास्टिक बनाना चाहता है, उनमें पॉजिटिविटी डालना चाहता है, उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहता है, उन्हें कुछ ऐसा दे देना चाहता है जिसके बाद उनको लगे वाह मज़ा आ गया। क्योंकि किताबें किताबें ही हैं, कोर्स कोर्स ही है, सिलेबस सिलेबस ही है, लेकिन वास्तव में हमें लाइफ जीनी है और एक शानदार लाइफ के लिए हमारा माइंड ठीक रहना चाहिए, हमारे पास कंटेंट अच्छे रहना चाहिए, हमारा मन शांत रहना चाहिए। और ये सब ऑरा, ये एनवायरनमेंट बनाते हैं कॉलेज की फिलोसॉफी, कॉलेज की समझ, कॉलेज के टीचर्स, और हम सब ये मिलकर यहाँ बनाते हैं। सो जहाँ तक आपने मेरा विज़न और मेरी समझ की बात पूछी है, तो मैं तो लोगों को कभी नौकर नहीं बनाना चाहता, मैं तो नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। और वो तब बनेंगे जब वो किताबों से बाहर निकलेंगे, जब वो हकीकत में चलेंगे, जब वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ भी जुड़ेंगे, वो अपने डे टू डे लाइफ में 4-5 घंटे अगर काम भी करेंगे, तब फिर मुझे लगता है कि वास्तव में वो साइकोलॉजी को भी समझेंगे, वास्तव में वो प्रैक्टिकलिटी को भी समझेंगे, और वास्तव में वो सपनों से हटकर कुछ हकीकत की दुनिया के बारे में तैयारी भी करेंगे। सो हम इस बार एक नया काम यही करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे काम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ अगर फर्स्ट ईयर के बाद में अगर काम करें तो हमारा प्लेसमेंट सेल उनको ट्रेनिंग से जोड़ना चाहता है, उन्हें इंटर्नशिप से जोड़ना चाह रहा है, उन्हें जॉब से जोड़ना चाह रहा है, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना चाह रहा है। सो अगर नट सेल में कहें तो इन सब का बात का एक ही सारांश है कि चतुर नहीं चाहिए भाई, रेंचो चाहिए। सर, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है काम करने के लिए भी, सीखने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैंने तो अकाउंटेंसी पढ़ी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो मेरे को लगता था डेबिट क्रेडिट और डाटाज और डिजिट्स यही सब कुछ होते हैं। पर जब से मैं एजुकेशन में आया हूँ तब से मैं इंटरडिसिप्लिनरी बन गया हूँ, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा तो मैंने भी MBA कर लिया, फिर मुझे लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा तो मैंने LLB और गोल्ड मेडल से LLM कर लिया, फिर मुझे योगा और नेचुरोपैथी अच्छा लगा मैंने उसमें PG डिप्लोमा कर लिया, मुझे साइकोलॉजी तो बहुत ही शानदार सब्जेक्ट लगा तो मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर लिया। तो मुझे लगता है कि सीखना सीखना और सीखना एक ज़िंदगी कम पड़ती है, और एजुकेशन से बेहतरीन कोई काम नहीं, क्योंकि आपको मशीनों के साथ काम नहीं करना, क्योंकि आपको इंसान के साथ काम करना है, और वो इंसान जो जिज्ञासा से भर के आया है, वो इंसान जिसे भी अपनी बहुत बड़ी ज़िंदगी को जीना है। तो मुझे लगता है ये तो एक बहुत ही शानदार प्रोफेशन है और आई एम एंजॉइंग इट। मुझे तो वास्तव में इस इंडस्ट्री में कह दो या इस सेगमेंट में कह दो काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, यूथ से बहुत सीखा, ये बात। सर, अगर हम बियानी ग्रुप की बात करें, बियानी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की बात करें, तो अगले 3 साल में क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं? देखिए, एक तो क्या है कि हिंदुस्तान में आजकल हम भारत कह रहे हैं रिसर्च नहीं है, और मुझे लगता है रिसर्च का एक बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए हमने जापान के साथ टाई अप किया, और जापान से जो साइंटिस्ट है उनका यहाँ आना, बच्चों को वहाँ प्लेसमेंट होना,
और बार बार इंटरनेशनल सिंपोजियम का होना इसको एक डिफरेंट ही लुक दे रही है। मैं सोच रहा हूँ और जो मेरा विजन आगे कि पढ़ाई फीस से नहीं होनी चाहिए। वास्तव में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सक्सेस तब है जब पढ़ाई पेटेंट और कॉपीराइट से हो। बच्चे के पास दिमाग है, बच्चे के पास युवा मन है, युवा दिमाग है। अगर हम कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप कर पाए जहाँ पे बच्चे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील करें, वो रिसर्च करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें और वो प्रोडक्ट जो है सोसाइटी में डिमांडेड हो, तो मुझे लगता है फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पूरा स्वरूप बदल जाता है। और हमने ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे बना भी लिए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम जापान से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ही अहेड है जापान, बहुत अहेड। हम सोच भी नहीं सकते कितने वो हमसे एडवांस है। सो टेक्नोलॉजिकली जब हमारे एक डायरेक्टर जिनका नाम डॉक्टर मनीष बियानी है, वो जापान में है और पिछले 30 साल से हैं, और हमारे जो दो यंग साइंटिस्ट हैं जो वहाँ से अभी लर्नेड और ट्रेंड होकर PhD करके आ रहे हैं, तो यह रिसर्च का स्वरूप तो बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिसर्च किसी लेबोरेटरी में होती है या किसी बिल्डिंग में होती है, रिसर्च ह्यूमन ब्रेन में होती है, आइंस्टाइन में होती है। मुझे नहीं लगता आइंस्टाइन कोई पैसों का मोहताज है या किसी बिल्डिंग का मोहताज है। आदमी के पास सबके पास पर माइंड सेट अलग है। सो हमारे पास एक रिसर्च माइंड सेट है, उसका मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि 30 साल बाद जो डॉक्टर मनीष बियानी जो मैंने जापान में सीखा है उसको निश्चित रूप से वो इंडिया में लेकर आएंगे और आ ही रहे हैं। बल्कि उनका जो डायरेक्ट बच्चों से इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन रहता ही रहता है, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ प्लेस्ड और हम टाइप भी कर पाए। और अभी एक यंग पर्सन जो कि डॉक्टर राधिका है, वो PhD करके आ रही है, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। तो एक यंग माइंड जब यहाँ पर लगेगा तो मुझे लगता है कि एक बदलाव लेकर आएगा। सर, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि आप फॉलोअर्स नहीं लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपना कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर के साथ किस तरह से मैनेज करते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज हो और उन्हें एक यू नो एक कुछ भी मिले कि डू बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। ये आपने बहुत ही शानदार बात पूछी है, कनेक्शन ही तो मिसिंग है। ये कनेक्शन हो जाए तो यूथ में सारा बदलाव आ जाता है। एक फादर का सन के साथ क्या कनेक्शन है, पूछना चाहिए, हर एक फादर से पूछना चाहिए सवाल। वो बनता है जब प्रेम होता है, जब देने की भावना होती है, जब जादू की छपी होती है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी अभी प्रेम से महरूम हो रही है। हमने अपने आप को एक प्रोडक्ट और एक पदार्थ समझ लिया है। मैं बच्चों के साथ में एक बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो प्रेम को समझे। और मेरी तो अभी जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं मस्ती की पाठशाला में, मुझे लगता है बच्चे सोशल मीडिया पर इसीलिए जुड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घरों से प्रेम नहीं मिल रहा, अपने इंस्टीट्यूशन से प्रेम नहीं मिल रहा। प्रेम का मतलब होता है अपने आप को खो देना, सामने वाले के लिए जीना, एक हो जाना, ईश्वरमय हो जाना। प्रेम की समझ हमारी सोसाइटी में सबसे पिछड़ी हुई समझ है, और मुझे लगता है वही जिंदगी के करीब ले जाती है। सो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और अभी मैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहा हूँ। मेरी करीबन 8-10 किताबें आपने अभी देख ही रहे हैं, स्वयं की खोज जो बुक है, ये बुक भी एक शानदार बुक है। मुझे लगता है कि आदमी अगर खुद को जान ले तो सबको जान सकता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जिनको हम 130 करोड़ लोग कहते हैं इस दुनिया में, वो सब हमारी तो सैंपल है। अगर हम अपने आप जान जाए कि हमारी भावना क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे विचार कैसे उठते हैं हमारे अंदर, हमारा मन अशांत क्यों होता है, तो ऐसे ही तो सबके साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इस बुक में कोशिश की है कि मैं लोगों को ये समझा पाऊँ कि भावनाएं क्या होती है, विचार क्या होता है, प्रेम क्या होती है, ईर्ष्या क्यों होती है, घृणा क्यों होती है, मजा कैसे आता है, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, 7 चक्रास क्या है। मुझे लगता है कि लाइफ है इस बुक में और सबको लाइफ ही जीनी है। सो मुझे लगता है कि विशेष जो हम इस साल प्रयास करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और जिसके लिए मैं सुबह 3:30 बजे उठ के पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैंने दर्शन को पढ़ा है, बुद्धिज्म को पढ़ा है, जैनिज्म को पढ़ा है, मैंने मोहम्मद साहब को पढ़ा है, जिसके मैं चाहता हूँ कि वो बात जो कि आदमी की बात है, जो मनुष्यता की बात है, जो जीवन की बात है, जो दर्शन की बात है, मैं उसे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और उसका अगर सारांश में बोलना चाहूँ, जो एक शब्द जिससे सब जुड़ जाते हैं, एक शब्द जिसके आगे सब हार जाते हैं, एक शब्द जो हमेशा जीत जाता है, एक शब्द जो ईश्वर के करीब ले जाता है, वो प्रेम है। और प्रेम और वास्तव में बहुत अंतर है, प्रेम और आकर्षण में भी बहुत अंतर है।
प्रेम के अलग अलग स्वरूप है, एक शरीर के स्तर का है, एक मन के स्तर का है और एक ईश्वर के स्तर का है। हम तो अभी शरीर के स्तर को ही प्रेम समझे, तो मैं वो लव जिसे प्रेम कहते हैं उसका सही सही फील बच्चों को करवाना चाहता हूँ ताकि उनका जीवन उन्नत बन सके। सो आपको एक अजीब सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक ग्रेट साइंटिफिक इन्वायरमेंट जहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है और एक ग्रेट इन्वायरमेंट जहाँ पे दर्शन शास्त्र की भी बात हो रही है, मनुष्यता की बात हो रही है, जीवन की भी बात हो रही है। इन दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमारे कैंपस में देखने को मिलेगा, जहाँ बच्चे जापान जाके टेक्नोलॉजिकली भी रिच हो रहे हैं तो वहाँ मनुष्यता के साथ में और प्रेम के साथ जुड़ कर एक शानदार इंसान भी बन रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा समझ है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग अपने विचार विद ऑल आवर ऑडियंसेस। हाँ, मैं भी यूथ को इनवाइट करना चाहता हूँ कि फील द पावर ऑफ बियानीज, फील द पावर ऑफ साइंस, फील द पावर ऑफ फिलोसॉफी, फील द पावर ऑफ टीचिंग। सो आप ये सब फील कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं इस साल का, उसमें मेरा पूरा विजन दिखाई देता है। इस साल के प्रॉस्पेक्टस को ऑनलाइन बच्चे देखेंगे तो उसे पूरा विजन दिखता है, क्योंकि वही होता है जो हमारी विजन होती है, क्योंकि पहले दिखता है फिर हकीकत में बदलता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।